नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा नवंबर, 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आपका वीकली फोरकास्ट। बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, बेस है आपका मून साइन। लेकिन इस पूरे वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक भविष्य को आप ले सकते हैं अपने मून साइन, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, और आप इसको ले सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक। वीक कमेंसिंग है 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर सन 2020। साप्ताहिक भविष्य आप सबके लिए। बात करेंगे टॉरस मेरी मुराद है वृष राशि के लिए। सबसे पहले चंद्रमा गोचर, चंद्रमा गोचर वृष राशि के लिए पहले घर में 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक 2020। चंद्रमा गोचर लगन में पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा गोचर ट्रांजिट मून का पहले भाव में फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा के ट्रांजिट के दौरान पहले घर में आए तो हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, कंफर्ट मिलती है, साथ मिलता है, लग्जरी मिलती है, लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मोहब्बत इश्क मिलता है, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, आपकी खुशी में राइज होती है, हालात में इम्प्रूवमेंट होती है, हवा में प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलता है, लोग आपका साथ देते हैं। चाहे चंद्रमा गोचर लगन में हो, पहले भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, ट्रांजिट मून का पहले भाव में हो, ओवरऑल बड़े खुशहाली का टाइम होता है। और ये टाइम पीरियड लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम होता है, आपकी तरक्की होती है, बीमारियों से फारिग होते हैं, परेशानी कम होती है, दिमाग में सुकून होता है, आप मेंटली फिजिकली कंटेंट होते हैं, ओवर सेंसिटिव ना हो इस दौरान। और मेरा ये भी मानना है ये पीरियड ऐसा है टेक्निकली फाइनेंशली बहुत ध्यान से चलना होगा। कई बार पुराने मरे हुए पैसे आपको इस टाइम के दौरान मिल सकते हैं, फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2020 तक। चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान सेकंड हाउस में, उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा पैसे का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें, बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें, बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो, लोगों की बातों में ना आए। अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है, या आपको हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं, टाइम ना लगाएं, सक्सेस आपको सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए, वो ना लें, वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको हरास कर देंगे, वो ना करें। गलत संगत से दूर रहें, चोरों ठगों से बच के रहें, फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और रेपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी। गलत संगत से दूर रहें। कामकाज में रुकावट है, इसमें डटे रहना होगा, ये टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली आपको बहुत कई बार परेशानी बहुत होगी, हार्डवर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना, कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा। इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी, वही एक मेथड है परेशानी से परमानेंट फारिग होने का। भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, वही एक तरीका है सक्सेस का। और चंद्रमा गोचर वृष राशि के तीसरे भाव में 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर। चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में ट्रांजिट में, चंद्रमा जब गोचर के दौरान ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा गोचर जब थर्ड हाउस में होगा खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इंजॉय करेंगे, क्लोजनेस को बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। वृष राशि के लिए इस आने वाले वीक के अंदर सूर्य, बुध,
शुक्र मंगल राहु केतु का थोड़ा प्रकोप बना रहेगा, उसकी वजह से कामकाज पे भी उसका असर नजर आएगा, पीस ऑफ माइंड पे भी होगा, हेल्थ हार्मोनी हैप्पीनेस पे उसका असर होगा। और अगर आप चाहें उपाय पद्धति प्रिकॉशन से मंत्र साधना से अपना बचाव कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेनी होगी, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ prakashastrologer.com के और वहाँ पर पूरी वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। आपका इस वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी? अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं, मूड कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते वो अच्छे बना पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उभरने के लिए, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है तो आप किस इंतजार में कर? इस तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लीजिए, वीडियो में भी है रिटर्न में भी, जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है। हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें। मैं चाहता हूँ कि आप सर्व संपन्न हों, खुशहाल हों, तंदुरुस्त हों और हारमोनियस जिंदगी में जी रहे हों।